वेलकम टू मनीष गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र पूछा गया है, तो ये जो है वो है धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो दर्शाता है उसको कहते हैं पिकनोक्लाइम, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक कहलाता है? पहला विषाणु, कवक और जीवाणु। तो इसमें पूछा है कौन से कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2 एंड 3, कवक और जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक बंद तंत्र होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, यानी कि डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खाद्य श्रृंखलाओं उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। सेकेंड है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। थर्ड है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोई नहीं, यानी कि सॉरी ओनली वन करेक्ट आंसर है। तो जो खाद्य श्रृंखलाओं उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता मछली का आवास है, तो कुत्ता मछली का जो आवास है वो है समुद्र। कुत्ता मछली समुद्र में पाई जाती है, ये मछली का प्रकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है। तो पूछा गया जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है, बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सहता है, यह पक्षी कौन सा है? तो ये पक्षी है कोयल, क्योंकि कोयल जो है ये बच्चा जब देती है, अंडा देती है बच्चा, तो ये कौवे के घोंसले में छोड़ जाती है, फिर अपना चली जाती है, उसका बच्चे का जो पालन पोषण है वो कौवा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांत कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मकड़ी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट जो भाग है वो है नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा है दूसरा रेगिस्तान है? तो दूसरा रेगिस्तान है उसको कहते हैं लद्दाख, इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, और पहला जो गर्म रेगिस्तान उसे थार कहते हैं जो राजस्थान में पड़ता है, ये लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में स्टार्ट किया, ये 2016 में आया शायद टेट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वनों के महत्व के कारण है, तो वनों के महत्व के जो कारण है वो है ग्रीन हाउस, क्योंकि ये ग्रीन हाउस रिड्यूस होता है वनों के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो वन जीव सप्ताह जो है ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नेक्स्ट है, वन जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ NGO समर्पित है? तो असरकारी NGO जो है वो है भारतीय वन्य जीव बोर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वन्यजीव संरक्षण के प्रति जो समर्पित संस्था है वो है UNFPA, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था?
पहली राष्ट्रीय उद्यान जो कहा जाता था वो कहा जाता था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, दुधरवा ये लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हो तो संस्था है, तो वन्य जीवों की सुरक्षा है तो जो संस्था है वो है IUCN।